पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी लड्डू। ये लड्डू इतने पावरफुल हैं, यदि आप इन्हें रोज खाएंगे न तो हड्डियों में दर्द होगा, न घुटनों में दर्द होगा और न ही जोड़ों में दर्द होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बनाना शुरू करें। लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप तिल। इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तिल कैल्शियम से भरपूर होता है, इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक भी होता है। ये हड्डी के लिए, हड्डी के जोड़ों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तिल खाने से शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। ये 1 कप बादाम है। बादाम भी कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन ई भी होता है, जो हमारी हड्डी के लिए और हमारे हार्ट के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बादाम खाने से शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। और ये मैंने 3/4 कप गोंद लिया है। ये कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, इसमें फाइबर भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमारे डाइजेशन अच्छा रहता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। गोंद खाने से हड्डियों के जोड़ों को बहुत ताकत मिलती है। ये शरीर को गर्मी भी देता है। इसे खाने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। ये मैंने खसखस के दाने लिए हैं, 2 बड़े चम्मच। खसखस में कैल्शियम, जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी हड्डियों के लिए और हड्डी के जोड़ों के लिए और हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये मैंने सौंठ लिया है, 2 बड़े चम्मच। सौंठ खाने से सर्दी में होने वाला कोल्ड, कफ, जोड़ों का दर्द सभी में आराम मिलता है, यहाँ तक कि जो आर्थराइटिस है उसमें भी आराम मिलता है। ये मैंने काली मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच। सर्दी में काली मिर्च खाने से कोल्ड, कफ और ठंड से होने वाले जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, वो भी ठीक होता है। ये मैंने शक्कर लिया है 1 कप। ये गुड़ का पाउडर है। इसे डालने से लड्डू अच्छी तरह से डाइजेस्ट होंगे और ये हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें भी बाहर करता है। यदि आपको शक्कर ना मिले तो आप इसकी जगह गुड़ ले सकते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। ये मैंने गाय का घी लिया है 1/2 कप। आयुर्वेद के अनुसार गाय का घी सबसे अच्छा होता है। घी खाने से हड्डियों के जोड़ों में चिकनाहट बनी रहती है और ये शरीर को गर्मी भी देता है। अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल भूनेंगे। तिल भूनने के लिए मैंने एक भारी तले का पैन लिया है। गैस की फ्लेम कम रखी है। इसे कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल को ज्यादा नहीं भूनना चाहिए, ज्यादा भूनने से इसके जो फाइबर हैं वो नष्ट हो जाते हैं और लड्डू का टेस्ट कड़वा हो जाता है। तिल को इतना ही भूनना है कि ये चटकने लगे और फूल जाए। हमारे तिल चटकने लगे हैं और फूल चुके हैं, ये देखिए। तिल भूनकर तैयार हैं। इन्हें बस इतना ही भूनना है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब भूनेंगे बादाम। बादाम को भी कम आंच पर ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इन्हें इसलिए भी भूनना जरूरी है क्योंकि बादाम भूनने से इसके अंदर की नमी खत्म हो जाती है और ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाते हैं, जिससे लड्डू जल्दी खराब नहीं होंगे, ज़्यादा दिन चलेंगे। बादाम भूनकर तैयार हैं। इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब भूनेंगे खसखस के दाने। खसखस के दाने बहुत जल्दी भून जाते हैं। इन्हें भी कम आंच पर भूनना है, बस थोड़ी सी देर भूनना है जिससे इसकी नमी खत्म हो जाए। खसखस के दाने भूनकर तैयार हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक मिक्सर जार में गोंद पीस लेंगे। गोंद को पीसकर भूनने से ये बहुत आसानी से भुन जाता है और बहुत जल्दी भूनता है। खोलकर देख लेते हैं। इसका पाउडर बनकर तैयार है। अब गोंद भूनने के लिए पैन में घी डालेंगे, पूरा घी डाल देंगे और जैसे ही घी गर्म हो इसमें डालेंगे पिसा हुआ गोंद। इसे भून लेंगे। इसे भी कम आंच पर भूनना है। गोंद को हल्के हाथ से दबाते हुए भूनना है जिससे ये अच्छी तरह से भुन जाए, कच्चा ना रहे। यदि गोंद कच्चा रह जाता है तो लड्डू खाते समय दांतों में चिपकता है। हमारा गोंद अच्छी तरह से भुन चुका है। गोंद भूनने का एक दूसरा तरीका भी है।
पैन में घी गरम कर लें। गोंद के पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लें, तब भुनना चाहिए गोंद को, और बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। उसे कम आंच पर चलाते हुए भुनना है, जिससे ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए, कच्चा ना रहे। इसे चेक करने का तरीका ये है कि जो भुना हुआ गोंद है उसे हाथ से दबाते हैं तो ये पूरा मैश हो जाता है, अंदर से कच्चा नहीं है बिल्कुल भी। अब देख लेते हैं, हमने जो गोंद भुना है ये भी क्रिस्पी हो चुका है। अब हम तिल पीस लेते हैं, तिल भी ठंडे हो चुके हैं। तिल बहुत जल्दी पीस जाते हैं, इसे बस थोड़ा सा घुमाना है जिससे तिल बारीक हो जाएं। ये देखिए तिल का पाउडर बनकर तैयार है। अब हम तिल को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम पीसेंगे बादाम, इसके साथ मिलाएंगे कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने कूट लिया था और इसे हम पीस लेंगे। आप चाहें तो बादाम को बिना पीसे भी डाल सकते हैं, बादाम के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, लेकिन यदि आप पीस कर डालेंगे तो लड्डू ज़्यादा एनर्जी देंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होंगे। बादाम भी अच्छी तरह से पीस कर तैयार हैं। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ गोंद। बादाम के साथ पीसने से गोंद का पाउडर बन जाएगा और ये बादाम के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। खोल कर देख लेते हैं, बादाम के साथ गोंद पीस कर तैयार है। अब इसमें डालेंगे शक्कर और इसे एक बार और पीस लेंगे। बादाम, गोंद और शक्कर पीस कर तैयार हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्सचर तैयार हुआ है। हमने जो तिल पीसे थे उसमें मिलाएंगे खसखस के दाने, सौंठ। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे बादाम, गोंद और शक्कर का मिक्सचर। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे, जिससे ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा और एक सार हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि ये मिक्सचर सूखा सूखा है और लड्डू बांधने में कोई परेशानी आती है, तो इस मिक्सचर को एक बार और मिक्सी में चला लें। इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू बनाने में बहुत आसानी होगी। हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। जैसे ही लड्डू बनने लगे, इसे दोनों हथेली के बीच में रखकर गोल आकार देंगे। और ये देखिए हमारा हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है। इन लड्डू को आप गर्म दूध के साथ लें, आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इन्हें खाने के बाद न तो हड्डियों में दर्द होगा, न घुटनों में दर्द होगा और न ही जोड़ों में दर्द होगा, न कमर दर्द होगा और न ही सिर दर्द होगा। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये लड्डू खाने से थकान, कमजोरी, खून की कमी भी दूर होती है, हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। आप इन लड्डू को एक बार जरूर बनाएं। आपके लड्डू कैसे बने और आपके परिवार को कैसे लगे, हमें जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।